डी ब्रोगली के इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए डेविसन और जर्मर ने 1927 में इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट किया। डेविसन और जर्मर अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इनका जो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था वो कुछ इस तरह का था, और इनके जो प्रायोगिक परिणाम थे वो यहाँ पर दो फिगर्स में समझा रखे हैं, फिगर ए और फिगर बी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था। इसके लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है, उस इलेक्ट्रॉन गन में थर्मियोनिक एमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन को सॉलिड से बाहर निकालने के कई प्रकार के तरीके हैं, उसमें एक है थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। आप उस बॉडी को हीट करो लगातार, उसके कारण से भी वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लग जाएगा। दूसरे और भी तरीके होते हैं, यदि उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, उस पर लाइट गिराई जाए, ऐसे। यहाँ पर ये थर्मियोनिक एमिशन का तरीका काम लिया, ये हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से ये जो एफ है वो फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलामेंट हॉट होते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये यहाँ पर कोलिमेटर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराता है और फोकस करता है। ये जो पूरी असेंबली है कोलिमेटर्स की और फिलामेंट को मिलाकर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन का ये काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक बीम बनाकर हमने निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कराया है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, वो इंसिडेंट बीम है, और ये इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है कि निकल क्रिस्टल के ऊपर कैसा इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट है। सरफेस के 90 डिग्री पर आकर ये इंसिडेंट बीम टकराती है, और इसके बाद ये इंसिडेंट बीम किसी अलग अलग दिशाओं में स्केटर्ड हो जाती है। उस एक दिशा जो थीटा डिग्री पर स्केटर्ड बीम है वो हमने दिखा रखी है, ये स्केटर्ड बीम है, और ये यहाँ पर डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करेगा यहाँ पर, और ये एनआई क्रिस्टल है। तो इस पूरे अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम थीटा को वेरी करा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को अलग अलग जगह पर रख कर हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं स्केटर्ड बीम की। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसको वेरी करा सकते हैं, और उसको जब वेरी कराएंगे यहाँ से इसके बीच में जो एक्सेलरेटेड वोल्टेज है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के आएंगे। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी, एक तो थीटा, ये हम वेरी करा सकते हैं और उसे अलग अलग एंगल्स पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को रख सकते हैं, और यहाँ से जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको चेंज करके हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस डेविसन और जर्मर ने लिए वो किसके लिए, वो लिए फॉर ए पर्टिकुलर एंगल, किसी एक विशेष कोण पर, स्केटरिंग एंगल पर उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑब्जर्वेशंस लिए। तो ये जो पहला फिगर है उसकी बात करते हैं, उसकी एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस है उस पर इंटेंसिटी है, मतलब आप करंट भी कह सकते हैं कि डिटेक्टर जो करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड टाइम डिटेक्ट कर रहा है उसको वाई एक्सिस के ऊपर हमने ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉ किया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 34, 35, 40, 45, 50, ये वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और बी जो फिगर है उसमें वाई एक्सिस के ऊपर स्केटरिंग एंगल है, यानी कि दूसरी बार स्केटरिंग एंगल को वेरी कराया है, और स्केटरिंग एंगल 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे रख के और चेक किया है। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो फिगर यहाँ पर हमने बनाया है ये हमें क्या बताता है। फर्स्ट फिगर के लिए हमने थीटा फिक्स रखा है, और थीटा क्या रखा है, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, और इस थीटा इक्वल टू 50 डिग्री रखकर हमने अलग अलग जो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया और उसको एक प्लॉट के रूप में दिखाया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है, और वापस हम यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी पीक कम हो जाती है, इंटेंसिटी घट जाती है। और ये जो पीक आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है वोल्टेज 54 वोल्ट पर, यानी कि उस वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से ही आया
दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इस बार हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिक्स कर दी है, यानी कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको 54 वोल्ट रख लिया है और थीटा चेंज कराया है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की जो पोजीशन है उसको अलग अलग जगह पर रखा है, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ आया है। और ये जो ग्राफ की पीक आई वो किस एंगल पर आई, वो ठीक उसी एंगल पर आई जहाँ पर ये थीटा इक्वल टू 50 हमने रखा था, तो थीटा इक्वल टू 50 डिग्री पर ये एक पीक हमें यहाँ दिखाई देती है। कुछ बुक्स में इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट तरीके से प्लॉट करके दिखाया जाता है, उन ग्राफ्स को पोलर ग्राफ्स बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको इस तरह का ग्राफ भी दिखाई दे सकता है, ये पोलर ग्राफ है। इसमें क्या है, इस तरफ वाला जो आपको वर्टिकल एक्सिस दिखाई दे रहा है वो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन बताता है, जिसको हमने यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री माना है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल क्या है 0 डिग्री, और इस तरफ स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, तो ये अलग अलग एंगल्स के लिए है। मैंने ये जो कुछ डैश्ड लाइन खींची है ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर एक ये सॉलिड लाइन खींची है वो 50 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर फिर एक डैश्ड लाइन खींची है वो 75 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल है वो 0 डिग्री से चेंज होते होते इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक आते आते 90 डिग्री हो जाता है, और इसमें जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एंगल के वेरिएशंस के साथ में उन्हें हम पोलर ग्राफ बोलते हैं। इस पोलर ग्राफ की जो इंटेंसिटी ड्रॉ की है हमने वो एंगल्स के साथ में इस तरह ड्रॉ की है, तो उस जो पोलर ग्राफ की इंटेंसिटीज का जो पीक आता है वो एक पर्टिकुलर स्केटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 50 डिग्री पर आता है। और ये जो हमने ग्राफ बनाया है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स रखी है, यानी कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो V इक्वल टू 54 डिग्री है। तो हमने इन अलग अलग केसेस में जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए, जो डेविसन और जर्मर ने निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराकर और जो स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम थी उनकी इंटेंसिटी को मेजर करके कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए, उनको हमने यहाँ पर देखा। उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में जो मुख्य बात है वो उभर कर सामने आती है, वो क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स स्केटरिंग के बाद सभी एंगल्स के लिए समान रूप से स्केटर्ड नहीं होते, वो किसी एक पर्टिकुलर स्केटरिंग एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम देते हैं। और इस प्रकार का जो एंगल हमने यहां पर लिया है वो क्या है, जो हमें मिला है वो क्या है, ए थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि स्केटरिंग एंगल 50 डिग्री पर, और उस समय जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो क्या है 54 वोल्ट्स, उसमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्केटर्ड जो पीक है वो दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग स्केटर्ड पीक हमें दिखाई देती। देख रहे हैं हमने तीन ग्राफ बनाए थे, तीनों में अभी अलग अलग दिखी। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पीक इन द इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटेटिवली द वैलिडिटी ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये जो स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है यही हमें ये बताती है कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो था उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अगला सवाल आएगा कि इससे कैसे हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो है इस पर्टिकुलर स्केटरिंग एंगल के ऊपर ज्यादा जमा हो रहे हैं वहां जाकर, और ये कैसे समझाया जा सकता है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स स्केटर्ड बाई द पीरियोडिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स लाई ऑन द प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल्स। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जो ऐसे पिछले लेक्चर में हमने बात किया कि जो ऐसी एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेज हैं या ऐसे एपरेटस हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के डिफ्रेक्शन पैटर्न को दिखा सकें, वो उस समय तक क्या ज्ञात थे, सॉलिड्स के अंदर जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है स्केटर्ड कर सकता है यदि उनकी वेवलेंथ लगभग एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की हो। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही ये स्केटरिंग जो हमें ज़्यादा दिखाई देती है किसी एक एंगल पर, और ये तभी देखा जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव जुड़ी होती हैं वो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके ऐसी पीक हमें देती है। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स को या इसे जो कंक्लूजन्स हैं उनको नोट्स के रूप में हमने यहां पर लिख रखा है।
आइए एक एक करके उनको देखते हैं कि ये क्या है। डेविसन जर्मर में इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग हमने स्टडी किया है। क्या ऐसा स्केटरिंग पहले भी हमने कभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हमने एक्सरे स्केटरिंग पढ़ी है, जिसमें निकल क्रिस्टल पर एक्सरे बीम स्केट इंसिडेंट कराई जाती है और वो स्केटर्ड एक्सरेज एक एक्सरे डिटेक्टर से डिटेक्ट की जाती है और वो डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाती है। तो ये जो यहाँ पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो ब्रेग डिफ्रेक्शन के एनालोगस है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, दिस फिनोमिनन इज प्रिसाइजली एनालोगस टू वेल नोन ब्रेग डिफ्रेक्शन विच अकर्स इन द स्केटरिंग ऑफ एक्सरेज। और ये जो स्केटरिंग हमने यहां पर देखी है और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस आया है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम इंटेंसिटी देते हैं, ये जो रिजल्ट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकी। दिस इज अगेन द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्यों नहीं समझा सकी? बिकॉज क्लासिकल पार्टिकल्स do not show interference. Classical particles जो usual macroscopic objects हैं वो interference नहीं दिखाते। The interference involved here, अब इस interference को कैसे समझते हैं, ये third point में हमने देखा है। इस interference को हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये कोई दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन बी है, ये इस बीम में है, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव्स है उनके इंटरफेरेंस के कारण से नहीं आया है। तो फिर ये इंटरफेरेंस कहाँ से आया है? तो इस इंटरफेरेंस को ऐसे समझना चाहिए कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसके उस मैटर वेव के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो निकल क्रिस्टल के अलग अलग रीजन्स से डिफ्रेक्ट होकर इंटरफेरेंस दिखाते हैं। ये बड़ी ही रोचक चीज है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को इस रूप में नहीं समझना है बिल्कुल भी कि ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर वेव्स जो जुड़ी हैं उनसे इंटरफेरेंस की वजह से आई है। एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई मैटर वेव ये इंटरफेरेंस दिखाती है। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्ड हियर इज नॉट बिटवीन वेव्स एसोसिएटेड विद वन इलेक्ट्रॉन and waves associated with another electron. Instead, it is an interference between different parts of the wave associated with a single electron, which have scattered from the various parts or regions of the crystal. तो ये अलग अलग भागों से वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई मैटर वेव्स अलग अलग प्रकार से डिफ्रेक्ट होती है और उस डिफ्रेक्शन को हम इंटरफेरेंस के बाद में देखते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है उसको हम समझ कैसे सकते हैं, क्या इसको भी देख सकते हैं कि हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव की वजह से ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे समझें? कि इस बार जो इलेक्ट्रॉन गन की इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं और इतना कम कर देते हैं कि एक बार में या एक टाइम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन गन से इजेक्ट होता है और ये जब इलेक्ट्रॉन आकर निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरता है और डिफ्रेक्ट होता है उससे, स्केटर्ड होता है उससे, तो ये स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर स्टडी कर रहा है और आपने एक लंबे समय तक जो इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड किया है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आपने इलेक्ट्रॉन जो डिटेक्टर है उससे इस एक्सपेरिमेंट के स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया है, तो आपका क्या परिणाम आएगा? आपका वैसा ही परिणाम आएगा जैसे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में अभी हमने इंटेंसिटी की पीक देखी थी, यानी कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिला था। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक इलेक्ट्रॉन खुद के साथ ही इंटरफेरेंस दिखाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई मैटर वेव्स ही डिफरेंट पार्ट्स के रूप में खुद के साथ इंटरफेरेंस दिखाती है। तो द थर्ड पॉइंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ सच लो इंटेंसिटी that a single electron go through apparatus at a time and if we record the experiment for a long time the same interference pattern observed.
तो ये हमने यहां पर कुछ नोट्स लिखे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अभी हमने देखा कि डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं उसमें जो नोट्स लिखे उसका पहला नोट्स क्या था कि दिस इज एनालॉगस टू द ब्रेक डिफ्रेक्शन इन द एक्सरेज। तो ब्रेक डिफ्रेक्शन में तो एक्स रेज होती हैं, वो वेव्स की तरह से ट्रीट होती हैं और डिफ्रेक्शन दिखाती हैं, जबकि डेविसन जर्मर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं और वो भी डिफ्रेक्शन दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसी जो पहला नोड था उसको और एक्सटेंड करते हैं, ब्रेक डिफ्रेक्शन पर बात करते हैं। तो ब्रेक डिफ्रेक्शन क्या होता है, ब्रेक डिफ्रेक्शन का रिलेशन है 2d sin phi equal to n lambda। हमने थीटा क्यों नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि थीटा हम पहले ही स्केटरिंग एंगल के लिए यूज कर चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग दिखाने के लिए फाई लिया है। यहाँ पर ये अलग अलग जो क्वांटिटीज लिखी हैं उनका क्या मतलब है, d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेन्स है। यहाँ पर ये निकल का क्रिस्टल बना रखा है, इसके बीच में जो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है कंजिक्यूटिव प्लेन्स के बीच में वो हमने ली है d = 0.91 angstrom। यहां पर जो फाई है वो क्या है, ब्रेक्स एंगल। और ये ब्रेक एंगल के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सरफेस एंगल है। तो यहां पर इस ज्योमेट्री में देखते हैं अभी कि ये क्या है, n क्या है, n ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है, हमने यहां पर केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन को कंसिडर किया है। और लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है। यदि ये ब्रेक डिफ्रेक्शन की बात करें तो यहां पर लेमडा एक्सरेज के लिए काम आता है। अब थोड़ी सी बात इसकी ज्योमेट्री पर करते हैं, तो ये जो ज्योमेट्री है इसमें ये जो हमने यहां पर लाइंस बना रखी है सॉलिड्स, ये निकल क्रिस्टल के प्लेन्स को दिखाती हैं और इन प्लेन्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है उसको हमने यहां पर डी से दिखाया है। डी की वैल्यू हमने लिए d = 0.91 angstrom। ये जो है आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को दिखा रही है। दूसरी यहां पर सॉलिड लाइन जो है वो स्केटर्ड बीम को दिखा रही है, स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। तो अब देखिए आप इस प्लेन्स को मैंने यहां पर आगे बढ़ाया इस तरीके से डैश लाइन में, तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रेक्शन के तौर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इस डिफ्रेक्शन में हमने क्या देखा, ये जो डैश लाइन है दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो डैश लाइन है ये इस क्रिस्टल का जो प्लेन को आगे बढ़ाया तो इसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का। और जो सरफेस एंगल हमने अभी कहा, ब्रेक एंगल क्या है, सरफेस एंगल है, प्लेन्स के साथ बनाया हुआ एंगल इंसिडेंट एक्सरेज का, तो वो यहां पर कौन सा होगा, ये फाई जो अभी हमने लिखा है इस वर्टिकल लाइन के बीच में और ये प्लेन को एक्सटेंड करने के बीच में। अब देखिए ये जो एंगल है वो क्या है, स्केटरिंग एंगल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नॉर्मल है वो उसे क्या करता है, आधे में बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला जो एंगल बना कितना बना, थीटा बाई टू, तो यानी कि 25 डिग्री। और यहां पर रिलेशन क्या निकल के आता है कि फाई प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। दैट गिव्स यू फाई इक्वल टू 90 - 25, दैट इज 65 डिग्री। तो यहां पर आपने फाई जो काम लिया है वो 65 डिग्री काम लिया है। तो हम लेमडा निकालते हैं, क्या आता है वेवलेंथ इसकी, तो लेमडा इक्वल टू 2 × 0.91 angstrom × sin of 65, और ये निकल के आती है हमारे पास 1.65 angstrom। यानी कि यदि एक्सरेज यदि होती और इस तरह का डिफ्रेक्शन दिखाती तो उनकी वेवलेंथ होती 1.65 angstrom। वेव नेचर दिखाने के लिए इस तरीके की वेवलेंथ या इस ऑर्डर की वेवलेंथ एक्सरेज की होनी चाहिए। अब इसी में हम जो इलेक्ट्रॉन बीम को कंसीडर करके और उसकी वेवलेंथ निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम को डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा उसमें हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का रिलेशन क्या है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। यहां पर मोमेंटम के लिए हमने क्या लिया कि हमने वी जो है वो 54 वोल्ट लिया, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमने वो भी रिलेशन लिखा था एग्जाम्पल जब किया था कि p² / 2m = kinetic energy of a particle, तो वो काम लेते हैं। तब यहाँ पर लेमडा जो हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, वो आता है लेमडा इक्वल टू 1.65 angstrom। क्या गजब की बात है, यदि एक्सरेज इस तरीके का डिफ्रेक्शन दिखाती है और उस एंगल पर पीक देती है तो उनकी वेवलेंथ कितनी आती है, 1.65 angstrom। और यदि इलेक्ट्रॉन इस एंगल के साथ में इस एनर्जी की पीक दिखाता है
तो उसकी वेवलेंथ क्या आती है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि ये जो यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह से डिफ्रेक्शन और सब्सक्वेंट इंटरफेरेंस दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट का एक और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ठीक उसी साल जीपी थॉमसन ने भी किया था। जीपी थॉमसन ने 1927 में स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर उससे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करके दिखाया। जीपी थॉमसन ने क्रिस्टल्स की बजाय, जैसे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में निकल क्रिस्टल लिया था, तो इस स्थान पर जीपी थॉमसन ने थिन फिल्म्स का इस्तेमाल किया और इंडिपेंडेंटली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया। देखिए, डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी 1924 के अपने पीएचडी के सबमिशन में और उस हाइपोथेसिस के 3 साल बाद 24 में डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी। 1927 में डेविसन और जर्मर ने यूएसए में और थॉमसन ने यूके में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है और मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स लाइक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसकी वजह से ना केवल डी ब्रोगली को 1929 का नोबेल पुरस्कार मिला, बल्कि बाद में इस एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की वजह से डेविसन और थॉमसन को भी 1937 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि फिजिक्स किस तरह से डेवलप हुई, एक हाइपोथेसिस, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उससे चीजें आगे से आगे निकलती रही। मुझे लगता है कि आप इन लेक्चर्स को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।